वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस 2024 और आरओएआरओ के जी एग्जाम के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें अभी साइंस के क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किए हुए हैं। लगभग 250 प्रश्नों तक हम लोग पहुँच गए हैं, आज की सीरीज़ में कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऐसे ही हम लोग अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो लगातार मुझसे जुड़े रहिए। डेली रात को 9 बजे क्लास आती है, जिसमें आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। और इसके साथ साथ दोपहर 1 बजे वाली क्लास में डिवाइस सीरीज़ के नाम से आती है, अभी उसमें ज्योग्राफी चल रही है और उसके बाद हम लोग अदर सब्जेक्ट्स को भी स्टार्ट करेंगे। चलिए बिना देर किए आज के प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। द टेक्निक ऑफ क्रोमैटोग्राफी इज यूज्ड टू, ऑप्शन ए है रंग पदार्थों की पहचान करने में, ऑप्शन बी है पदार्थों की संरचना का निर्धारण करने में, ऑप्शन सी है रंग भरने वाले पदार्थों का सूखा आसवन करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी है मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टू सेपरेट द सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर। देखिए क्रोमैटोग्राफी, क्रोम का मतलब होता है कलर, तो जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स हैं, इनको क्या किया जाता है सेपरेट करने के लिए। अलग अलग सब्सटेंस अगर एक मिक्सचर में हैं तो उनको क्रोमैटोग्राफी की तकनीक से अलग किया जाता है। एक पतली सी पाइप नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ऐसे रेगुलेटर टाइप का भी लगा रहता है, और इसके द्वारा बूंद बूंद करके हर एक मिश्रण को, मिश्रण में जो भी सब्सटेंस है उनको अलग कर लिया जाता है, तो ये क्रोमैटोग्राफी होगी। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, मोनोजाइट किसका अयस्क होता है, जिरकोनियम, टाइटेनियम, थोरियम या फिर आयरन। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, थोरियम का होता है ओर मोनोजाइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम होता है, ऑप्शन ए है चीनी मिट्टी, ऑप्शन बी है कोरंडम में, ऑप्शन सी है जिप्सम या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिप्सम में कैल्शियम होता है, ऑप्शन सी राइट होगा। जिप्सम का जो साइंटिफिक नेम है या रासायनिक नेम है, केमिकल नेम याद कर लीजिए, वो है CaSO4.2H2O। तो यहाँ पर आपको कैल्शियम दिख रहा होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, जो कि जिप्सम होता है। और इसमें देखिए H2O या फिर जल के अगर पूछे जाए कितने अणु होते हैं तो 2 होते हैं, ऑप्शन सी राइट होगा। इस प्रश्न में बताना है निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल में स्थायी गैस है, परमानेंट गैस कौन सी एटमॉस्फेयर की, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है ओजोन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है नियान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन एक स्थायी गैस है, परमानेंट गैस है एटमॉस्फेयर में। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में कितने प्रतिशत चांदी पाई जाती है, 20%, 60%, 30% या फिर 0%। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मन सिल्वर में चांदी सिल्वर नहीं पाई जाती, इसका नाम है जर्मन सिल्वर, 0% इसमें चांदी होती है, ऑप्शन डी राइट होगा। ये जो जर्मन सिल्वर है इसमें आप देखेंगे कॉपर होता है, कॉपर कितना होगा 60%, ठीक है। इसके बाद जिंक होता है, जिंक कितना होगा 20%, और निकल भी होता है 20%, इसमें सिल्वर नहीं होता, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा के गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह एक सस्ता है, ऑप्शन ए के द्वारा, ऑप्शन बी है वायु के साथ विस्फोट सम्मिश्रण नहीं बनाता है, और ऑप्शन सी अधिक उठाने की शक्ति होती है, और ऑप्शन डी है कम घना है। इसका राइट आंसर होगा डज नॉट फॉर्म एन एक्सप्लोजिव मिक्सर विद एयर, मतलब वायु के साथ कोई विस्फोटक मिश्रण नहीं बनता है हीलियम की वजह से, तो ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रोमीन क्या है, एक रंगहीन गैस है, भूरा ठोस है, अत्यधिक ज्वलनशील गैस है या फिर लाल तरल है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कि रेड लिक्विड होता है ब्रोमीन, ऑप्शन डी राइट होगा। अगले प्रश्न में बताना है वेल्डिंग में कौन सी गैसें प्रयुक्त होती हैं, ऑप्शन ए है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन और एसीटिलीन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन और एसीटिलीन। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
ऑक्सीजन और एसिटिलीन यूज़ की जाती है वेल्डिंग में। 249th क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह पैदा करता है, ऑप्शन ए है मेथिलीन, ऑप्शन बी है ऑक्सिन, ऑप्शन सी है फ्लोरीजेन या ऑप्शन डी है एसिटिलीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह एसिटिलीन पैदा करता है जो कि फलों को पकाने में मददगार होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है ओजोन का क्रमिक ह्रास त्वचा कैंसर, ऑप्शन बी है ह्रास, यहाँ पर होगा ह्रास लिख दिया गया है तो ये लिखने में मिस्टेक हो गई, ऐसे लिखा जाता है, आपके हिंदी वाले पेपर में आता है वर्तनी शुद्धिकरण। सेकंड ऑप्शन है फ्लोराइड प्रदूषण भोपाल गैस कांड, सी है मिथाइल आइसोसाइनेट, ये अम्ल वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और सल्फर डाइऑक्साइड दांत के लिए इसमें दिया गया है। तो ओजोन का जो क्रमिक ह्रास हो रहा है इससे बताया जा रहा त्वचा कैंसर होता है, ये सही सुमेलित है कि नहीं ये आप लोग देखिए। फिर जो फ्लोराइड प्रदूषण है इसकी वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, और मिथाइल आइसोसाइनेट से अम्ल वर्षा, फिर दिया गया सल्फर डाइऑक्साइड, ये दांतों में यूज़ किया जाता है। यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ओजोन का जो डिप्लेशन हो रहा है इसकी वजह से स्किन कैंसर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए तो राइट दिया गया है, भोपाल गैस कांड हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड इसकी वजह से एसिड रेन होती है, ये ऐसे दिया गया है, ठीक है, और दांतों के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये फ्लोराइड पोल्यूशन, तो मिसमैच दिए गए थे, ऑप्शन ए राइट होगा। यहाँ पर पूछा गया था कौन सा सही सुमेलित है। पूरा वनस्पति विज्ञान के तहत किसके बारे में अध्ययन होता है? शायद हिंदी में ना समझ में आ रहा हो, इंग्लिश में देखिए, अंडर पैलियोबॉटनी वन स्टडीज अबाउट, ऑप्शन ए है जानवरों का जीवाश्म, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है शैवाल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। पैलियोबॉटनी के अंतर्गत हम लोग जो पौधों का जीवाश्म है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, इनमें से कोई भी उत्तर आपको सही नहीं दिया गया था, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न फिर से सही सुमेलित करना है, कौन से पेयर आपको करेक्ट दिए गए हैं, कुछ वर्ड है और उनके मीनिंग्स दिए गए हैं। पहला है एंटमोलॉजी, और इसमें बताया जा रहा है कि हम लोग स्टडी करते हैं ह्यूमन बॉडी की। सेकंड है आइकोनोग्राफी, इसमें स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स होता है। थर्ड है लेक्सिकोग्राफी, जिसमें कंपाइलेशन होता है डिक्शनरी का। और फिलोलॉजी दिया गया है कलेक्शन ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स, बताना इसमें से कौन सा करेक्ट दिया गया है पेयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेक्सिकोग्राफी में क्या होता है कि डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं उनको कंपाइल करते हैं, शब्दकोश का संकलन करते हैं। लेकिन जो एंटमोलॉजी गलत है, इसमें स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स देना चाहिए था तो करेक्ट हो जाता। आइकोनोग्राफी और फिलोलॉजी में देखिए क्या डिफरेंस है, तो फिलोलॉजी में क्या होता है, जो कि ऐतिहासिक शोध की भाषाएं हैं पुरानी, ठीक है, तो इनको पढ़ना या इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, साहित्यिक स्रोत हो गए, आलोचना हो गई, इतिहास है, भाषा विज्ञान है, ये सब इसमें आ जाता है फिलोलॉजी में। ठीक है, फिलोलॉजी अगर समझ में आ गया, तो इसके बाद दिया गया है आपको आइकोनोग्राफी, ये कला से संबंधित है आइकोनोग्राफी, जिसमें आप देखें छवियों की पहचान की जाती है, इनकी व्याख्या की जाती है, कोई चित्रित विवरण है उसके बारे में जानकारी दी जाती है, तो ये सारी अलग अलग शाखाएं हैं। इसमें मेन आपको एंटमोलॉजी बहुत अच्छे से याद रखना है, लेक्सिकोग्राफी भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, द स्टडी ऑफ स्नेक्स इज नोन एज, विज्ञान की जिस शाखा में सांपों का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? हर्पेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, इक्थियोलॉजी या फिर सर्पेंटोलॉजी, ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्पेंटोलॉजी, और हिंदी में देखिए सर्प विज्ञान लिखा भी हुआ है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न थोड़ा इजी सा है, कई बार पूछा भी गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वास्तविक मछली है? पहला ऑप्शन है सिल्वर फिश, ऑप्शन बी है क्रे फिश, ऑप्शन सी है जेली फिश, और ऑप्शन डी है कैट फिश। अब देखिए सब में आखिरी में फिश लगा हुआ है, उसके बावजूद भी सारी फिश नहीं है। अब जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे उनको छोड़ के और सब सोचते होंगे क्या ये है, फिश लगाने के बाद भी फिश नहीं है, फिर भी है सा, आपको याद करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, कैट फिश एक तरह की मछली है, इसके अलावा कोई भी रियल फिश वाली कैटेगरी में नहीं आती। जिसको जिसको भी सिल्वर फिश, क्रे फिश और जेली फिश देखनी है ना, तो आप अपना सर्च करके देख लीजिए, और सभी ने देखा हुआ है, बट जो कैट फिश है ये रियल फिश होती है। नेक्स्ट है 255th क्वेश्चन है, रेशम कीट अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्य के तंतु का उत्पादन करता है? एट विच स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल डज द सिल्क वॉर्म
यील्ड द फाइबर टू कॉमर्स, मतलब पूछा गया है जो रेशम का कीट होता है इसकी कौन सी वाली स्टेज होती है जब इससे जो तंतु है उसका निर्माण किया जा सकता है। ऑप्शन ए है अंडा, ऑप्शन बी है लार्वा, ऑप्शन सी है प्यूपा और ऑप्शन डी है इमैगो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब वो प्यूपा वाली कंडीशन में पहुंचता है तब इससे तंतु का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र का उत्सर्जन करता है? विच अमंग द फॉलोइंग एनिमल सेक्रीट सॉलिड यूरिन, कंगारू चूहा है, जिराफ है, पोलर बियर है या फिर गिलहरी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कंगारू चूहा होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, गलत कथन चुन करके बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है कछुओं की कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती हैं। ऑप्शन बी दिया गया, समुद्री स्तनधारियों की कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती हैं। ऑप्शन सी, मछली की कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती हैं। और ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, सारे याद कर लीजिए, ऑप्शन डी राइट होगा। अब इस प्रश्न में बताना है, फलीदार पौधे की जड़ की गांठों में मौजूद नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु कौन से होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स आर, पहला ऑप्शन दिया गया है सैप्रोफिटिक, अर्थात इन्हें मृतोपजीवी भी बोलते हैं। ऑप्शन बी है पैरासिटिक, जो कि परजीवी होते हैं। ऑप्शन सी है प्रोटियोलिटिक, ये प्रोटोलिटिक ही हिंदी में बोले जाते हैं। और ऑप्शन डी है सिम्बियोटिक, या इन्हें सहजीवी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिम्बियोटिक। देखिए इसमें क्या होता है, जो फलीदार पौधे होते हैं ये पौधों में क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए जो प्रेजेंट होते हैं ये जीवाणु होते हैं, इन्हें बोलते हैं राइजोबियम। तो ये राइजोबियम क्या करते हैं बैक्टीरिया, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देते हैं जो कि पौधों को ज़रूरत होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते पौधे। तो ये नाइट्रोजन का जब स्थिरीकरण कर देते हैं तो नाइट्रोजन क्या होती है पौधों को मिल जाती है, और इन बैक्टीरियाज को इनसे फूड मिल जाता है। तो दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है। जितनी भी दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलें लेग्यूम्स जो होती हैं, इनकी गांठों में पाए जाते हैं बैक्टीरिया, इनको राइजोबियम बोलते हैं। तो यहाँ पर सहजीवी इसीलिए होता है कि दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। ये ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसके बाद लहसुन की विशिष्ट गंध के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो ऑर्डर आती है गार्लिक की, ये क्लोरो यौगिक होता है। ऑप्शन बी है क्लोरीन यौगिक की वजह से, ऑप्शन सी है एसिटिक एसिड, या फिर ऑप्शन डी एक सल्फर यौगिक की वजह से। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सल्फर यौगिक की वजह से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? ऑप्शन ए है सहतूत, ऑप्शन बी है हेम्प, ऑप्शन सी है कपास, ऑप्शन डी है जूट। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। जबकि जूट आप देखेंगे तो क्या होता है, तने से यहाँ पर मिलता है जो भी रेशे मिलते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से हैं ऑप्शन में से जो जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, मीडिएटर एज अ इंटरमीडिएट कार्य करते हैं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स में? इसमें पैरासाइट्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं। परजीवी, अपघटक, निर्माता और उपभोक्ता दिए गए हैं। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ये जैविक और अजैविक दोनों घटकों के बीच का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीवित कोशिकाओं के वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग सेल्स, एंजाइम है, आरएनए है, हार्मोन है या डीएनए है? बहुत ईजी सा प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग को आता होगा ऑप्शन डी, डीएनए। क्योंकि डीएनए में देखिए कोडिंग प्रेजेंट होती है, एक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। 263rd क्वेश्चन है, लेग हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? चिकन ब्लड में, ह्यूमन ब्लड में, रैबिट ब्लड में, या फिर लेग्यूमिनस पौधों की जड़ की गांठ में, लेग्यूम रूट नोड्यूल्स में? अब आप लोग को लग रहा होगा हीमोग्लोबिन यूज हो गया है तो फिर किसी के ब्लड में ही होगा, और इसी तरह के ऑप्शन भी बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा। जो लेग्यूम्स अर्थात जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जो जड़ होती है उनकी गांठ में लेग हीमोग्लोबिन या लेगोग्लोबिन पाया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का एक ये हेमोप्रोटीन होता है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो किसमें मौजूद है, पूछा गया है? रक्त में, त्वचा में,
लिम्फ या लसीका में, ऑप्शन डी है अंडाणु में, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्किन में पाया जाता है ये अल्फा केराटिन। इसके बाद प्रश्न है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलने के लिए उत्प्रेरित कर सकता है? ऑप्शन ए है जाइमेज, ऑप्शन बी है इन्वर्टेज, ऑप्शन सी है डायस्टेज, या फिर ऑप्शन डी है माल्टेज, और इसका सही उत्तर है जाइमेज। जाइमेज क्या करता है, ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है, ये फर्मेंटेशन में भी यूज़ किया जाता है। और देखिए, जब इथेनॉल का या फिर अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है, तो उसके लिए जाइमेज ही है जो फर्मेंटेशन प्रक्रिया को स्टार्ट करता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ये हो गया आज के क्वेश्चंस की कुछ सीरीज़ है, जिसमें आप लोगों ने काफ़ी प्रश्नों को हल किया है। आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितनों का आप सही उत्तर दे पाए, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आसानी से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत से बच्चे अभी भी वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोग के ही मोटिवेशन से मैं और अच्छे कंटेंट को प्रिपेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए, और आप ढेर सारे कमेंट कीजिए, जो भी आपके सुझाव हैं, जो भी आपके आगे जो भी नीड है क्वेश्चंस की, आप कैसे क्वेश्चंस देखना चाह रहे हैं या किस सब्जेक्ट को आप करना चाह रहे हैं, उन पे भी मैं ध्यान देती हूँ और आपको रिप्लाई करने की भी कोशिश करती हूँ। अगर आप डेली शॉर्ट्स नहीं देख रहे हैं तो वो भी ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पर भी मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर दे देती हूँ। तो मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।